तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुजरात के नवसारी से आई तस्वीरों से, जहां पर एक बार फिर सामने आया कि किस तरह से एक गायिका जो है वो गाती रही और तमाम लोग जो है उस पर नोटों की बरसात करते रहे। गुजरात से ऐसी तस्वीरें गाहे बगाहे सामने आती हैं और सवाल उठाती हैं वहां की अजीबो गरीब परंपरा पर। जरा स्टेज को गौर से देखिए, हर तरफ सिर्फ नोट ही नोट, लोग नोट उड़ाते उड़ाते थक नहीं रहे और इधर स्टेज पर लोग गायिका और उसका ग्रुप अपनी धुन में गाया जा रहा है तो उधर नोट उड़ाने वाले अपनी धुन में है। एक के बाद एक कंटियां खुलती जा रही है, सिर्फ रुपए नहीं इस गायिका पर डॉलर भी खूब लुटे। बता दें कि कार्यक्रम गुजरात के नवसारी में हुआ, गायिका गीता राबड़ी ने आयोजन किया था जहां उन्होंने भक्ति गीत समा बांध दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम में करीब 17 लाख रुपए उड़े हैं और खास बात यह है कि ये सारे पैसे गोरक्षा और गो सेवा के लिए इस्तेमाल होंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ साथ NRI भी शरीक हुए जो विदेशों में रहने के बावजूद भी आज भी अपनी संस्कृति को भूल नहीं पाए। और बात उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की, जो लगातार बढ़ते अपराध की वजह से सवालों के घेरे में है और अब हालत ये हो गई है कि वकालत पढ़ने वाली छात्राओं के लिए कॉलेज जाना लगभग नामुमकिन हो गया है क्योंकि दबंग फप्तियां कसते हैं। तो सुना आपने, एक आवार किस्म का लड़का सरिया में एक छात्रा को धमकी दे रहा है, उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। ये तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर से आई है। यहाँ के कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने जब सीनियर छात्र से अश्लील हरकत का विरोध किया तो देखिए किस तरह से भी उसे धमकाया जा रहा है। आरोपी NSUI से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कॉलेज में छात्रा को परेशान करने वाले आरोपी उसके घर जाकर उसे धमकी भी दे चुके हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए केस दर्ज कर लिया है। एक नामी कॉलेज में छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद अब अभी भी आरोपी घूम रहा है जबकि पुलिस कागजी कार्रवाई में उलझी हुई है। कल एक बड़ा हादसा हुआ जब जम्मू रोपरे प्रोजेक्ट की मॉक ड्रिल के दौरान 3 मजदूर जो हैं वो गिर गए जिनमें से 2 की मौत हो गई। और बड़ी बात यह है कि इस रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन 3 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना था तो इस रोपवे की सुरक्षा और तैयारियों पर ही सवाल उठ गए। जम्मू रोपवे के आकाश से पहले डरावना अंजाम देखने को मिला। रोपवे के ड्रिल के दौरान एक ट्रॉली नीचे गिर गई जिसमें सवार 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 कामगार बुरी तरह से घायल हैं जिन्हें इलाज के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती कराया गया है। ये दर्दनाक हादसा महामाया मंदिर के नजदीक हुआ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं और मारे गए लोगों के घर वालों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। जम्मू में 3 बड़े मंदिरों को जोड़ने वाले रोपवे प्रोजेक्ट के 3 टर्मिनल हैं। यहां आने वाले सैलानी केबल कार के जरिए पीरखो से बाबे वाली माता, पीरखो गुफा, महामाया मंदिर समेत यहां की कुदरती खूबसूरती का दीदार कर सकेंगे। 63 करोड़ की लागत से बने इस रोपवे के लिए केबल कार स्विट्जरलैंड, केबल के ग्रुप टर्की और केबल तार ऑस्ट्रिया से मंगाया गया है। और चुनावी मौसम में शादी के कार्ड भी चुनावी हो चले हैं। वाराणसी में इन दोनों शादी का कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उसमें लड़का लड़की के परिवार का जिक्र कम बल्कि नरेंद्र मोदी, अयोध्या में राम मंदिर, इन तमाम मुद्दों का जिक्र ज्यादा है। जरा इस कार्ड को गौर से देखिए, सामने की तरफ इसमें अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर की तस्वीर बनी है और कार्ड के पीछे वाराणसी में PM द्वारा किए गए विकास कार्यों की तस्वीरें हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि यह किसी की शादी का कार्ड है। यह कार्ड लखनऊ के मैथ्स टीचर मयंक और स्वाति का है। यह कार्ड मयंक का नहीं बल्कि उसके संगठन विशाल भारत संस्थान ने बनवाया है। इस संगठन में जिसकी भी शादी होती है इसी तरह से कार्ड छपवाया जाता है। इस कार्ड में कई संदेश दिए गए। पहला तो प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, दूसरा काशी के विकास कार्यों को दिखाया गया और तीसरा सभी समाज के हर एक तबके को साथ में लेके चलने का एक संदेश भी दिया गया। बता दें कि ये कार्ड PM समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी भेजा जाएगा। मयंक और स्वाति 27 जनवरी को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। अब आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन में आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच क्यों जंग हो गई। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे को गोली मारने की बात कह रहे हैं, एक दूसरे को जान से मारने पर ये उतारू हो गए हैं। वजह बस इतनी कि दोनों को मंत्री जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठना था। जी हाँ, बस इतनी सी बात पर कांग्रेस कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ पड़े। पहले कार्यकर्ताओं के बीच कहा सुनी हुई लेकिन फिर मामला बढ़ता चला गया और पूरा सभागार जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कार्यकर्ता दोनों पक्षों को संभालने में लग गए और जहां आयोजन होना था वहां अफरा तफरी मच गई। एनकाउंटर्स हमेशा सवालों के घेरे में रहते हैं और ऐसा नहीं सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो बल्कि पाकिस्तान में भी एक एनकाउंटर लोगों के गुस्से, उनके आक्रोश को झेल रहा है और नौबत यहां तक आ गई है कि प्रधानमंत्री इमरान खान तक को दखल देना पड़ा क्योंकि बच्चे के सामने उसके मां बाप का कर दिया गया एनकाउंटर।
पाकिस्तान के सहीवाल में पाकिस्तान टेररिज्म फोर्स ने एक एनकाउंटर में चार लोगों को मार गिराया है, लेकिन उसी वक्त उस कार में तीन बच्चे भी मौजूद थे जिनके सामने उनके माता पिता और बहन को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल फोर्स यह दावा कर रही कि यह एक आतंकवाद रोधी ऑपरेशन था जिसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बाद यह एक्शन लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मारे गए मोहम्मद खलील देश के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था। पुलिस ने यह भी दावा किया कि कार से हथियार बरामद किए गए हैं, लेकिन चश्मदीद पुलिस के इन दावों को खारिज कर रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि एनकाउंटर के बाद कार से कुछ नहीं मिला। बता दें कि कार में मोहम्मद खलील पत्नी चार बच्चों और एक साथी के साथ अपने भाई की शादी में जा रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने अचानक कार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लोग इस एनकाउंटर के खिलाफ रोड पर उतर आए हैं। मामला बिगड़ते देख खुद प्रधानमंत्री इमरान खान को डैमेज कंट्रोल के सामने आना पड़ा। उन्होंने जांच का आश्वासन दिया है। नशा अच्छे अच्छों की फजीहत कराता है, आपका भविष्य बिगाड़ देता है, सब जानते हैं, लेकिन राजनीतिक भविष्य कुछ ज्यादा ही साख पर लगा देता है। और भगवंत मान के साथ ऐसा हुआ तो बाकायदा जनसभा में अब कसम खाई है उन्होंने कि वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, काम करने में उसमें अड़चन आती। आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान अब शराब नहीं पियेंगे, ये जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है। हमें बड़ी खुशी है। अपनी शराब पीने की आदत की वजह से भगवंत मान को कई बार बदनामी झेलनी पड़ी है, यही वजह है कि भगवंत मान ने अब अपनी इस आदत को छोड़ने का ही मन बना लिया। लेकिन अब 1 जनवरी से उन्होंने ये संकल्प लिया है कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल पंजाब के बरनाला में आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंचे थे। रैली खत्म होने के बाद उन्होंने संगरूर में पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए ये बताया है। और अब आपको बताते हैं कि सीबीआई के विवाद लगता है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अंतरिम निदेशक बनाया गया राव को, और इस पर भी किसी को आपत्ति हो गई, याचिका दायर की गई है जिस पर सुनवाई होनी है। सीबीआई से भले ही पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा की विदाई हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई में विवाद खत्म हो गया है। हाल के दिनों में सीबीआई में बचे बवाल के बीच नागेश्वर राव की नियुक्ति के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में राव की नियुक्ति के साथ साथ सीबीआई में होने वाले नियुक्ति में पारदर्शिता की अपील की गई है। दरअसल पिछले साल पूर्व सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और सीबीआई के नंबर 2 अफसर राकेश अस्थाना के बीच टकराव के बाद मोदी सरकार ने दोनों अफसरों को छुट्टी पर भेज दिया था। इसी बीच सीबीआई की अंतिम कमांड एम नागेश्वर राव को सौंपी गई। आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आलोक वर्मा को बहाल कर दिया, लेकिन अगले ही दिन आलोक वर्मा को पद से हटा दिया गया। पद से हटाने के बाद वर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद फिर से नागेश्वर राव को सीबीआई की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कुछ दिनों से सीबीआई में चल रहे घमासान को रोकने की कोशिश करते हुए सरकार ने नागेश्वर राव को अंतरिम निदेशक नियुक्त किया था। और ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं देश में भी और विदेशों में भी, लेकिन चुनावी मौसम है, चुनाव नजदीक आके खड़े हो गए हैं। तो लंदन में एक शख्स ये दावा कर रहा है कि वो हिंदुस्तान की ईवीएम को हैक कर सकता है। लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने सोमवार को एक लाइव इवेंट में ईवीएम हैक करने का दावा किया है। IGS का दावा है कि सोमवार को इवेंट के दौरान अमेरिकी साइबर एक्सपर्ट सबके सामने ईवीएम हैक करके दिखाएंगे। हालांकि साइबर एक्सपर्ट के नाम का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन यह दावा किया जा रहा है कि भारत में इस्तेमाल होने वाले ईवीएम को डिजाइन करने में इनका हाथ है। भारत में पहले भी कई बार ईवीएम पर सवाल खड़े हो चुके हैं। विपक्ष ने कई बार ईवीएम हैक होने का आरोप भी लगाया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हर दावे को हमेशा खारिज किया है। हालांकि अब सोमवार को यह देखना लाजमी होगा कि इस इवेंट में किस तरह से ईवीएम को हैक किया जाएगा। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल उसमें एक शख्स जो है पार्किंग में अपनी साइकिल सीधी करता हुआ दिख रहा है, तो आखिर वायरल होने की वजह क्या है? वीडियो में शख्स को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश करिए। सलमान खान, एक बार में हर कोई धोखा खा जाए। एक नजर में यह शख्स बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है। वीडियो बनाने वाला शख्स भी यही कह रहा है कि सलमान खान गोल्डन मार्केट में है, लेकिन आपको बता दें कि यह शख्स सलमान खान नहीं है बल्कि उनकी तरह दिखने वाला कोई और है। ये वीडियो कराची के गोल्डन मार्केट का बताया जा रहा है, जिसमें यह शख्स पार्किंग में बाइक सीधी कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है शख्स हूबहू सलमान खान की तरह लग रहा है, क्योंकि इसकी फिजिक, हेयर स्टाइल और हाव भाव सब भाईजान से मिलती है। और अब आपको दिखाते हैं मुंबई के उस गैंग का खुलासा हुआ है जो महिलाओं पर रेलवे स्टेशन पर केमिकल अटैक को अंजाम दिया करता था। मुंबई लोकल में सफर करने वाली महिलाएं काफी समय से खौफ में थी। एक सिर फिरा तेजाब से हमला करता और फरार हो जाता, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अंधेरी स्टेशन पर जब इसने एक महिला पर एसिड अटैक की कोशिश की तो शिकंजे में आ गया। पिछले बार मतलब 2 महीनों से लगातार लेडी लोगों को वो टारगेट करता था और उनके ऊपर तेजाब फेंक के उनके प्राइवेट पार्ट्स पर तेजाब फेंकता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम रामवीर चौधरी बताया जा रहा है, जो देखने में तो बेहद सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके इरादे बेहद खौफनाक थे। लोअर पुरल में फर्नीचर की दुकान में काम करते हैं, मनोविकृत ऐसा लग रहा है। अंधेरी स्टेशन पर 4 महिलाओं पर एसिड अटैक की घटना से हड़कंप मचा था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का सहारा लिया और फिर जाल बिछाया तो आरोपी गिरफ्त में आ गया। बैंड बाजा बाइक चोरी गैंग जो दिल्ली में 100 से ज्यादा बाइकों पर हाथ साफ कर चुका है।
बैंड बाजा और बाइक चोरी। पुलिस के शिकंजे में आए इस गैंग का यही काम था। कहने को तो ये गैंग डांस एकेडमी चलाता था, लेकिन उनका असली काम था बाइक चोरी, वो भी ऑन डिमांड। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आए ये तीनों बदमाश यूपी के हैं। शुभम सहारनपुर का निवासी है, सूरज कन्नौज का और दीपक मेरठ का। ये तीनों आरोपी 3-4 साल पहले दिल्ली डांस सीखने के इरादे से आए थे। डांस सीखने के बाद इन्होंने दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में एक डांस एकेडमी खोली, जिसमें तीनों लड़के लड़कियों को डांस सिखाते थे। पुलिस की माने तो इस गैंग ने 100 से ज्यादा बाइक चोरी की है। चोरी के बाद बाइक के कई हिस्से का मेरठ में ये बेच देते थे। पुलिस ने इनके पास से 23 बाइक भी बरामद की है। जुर्म की दुनिया की कुछ और खबरें जानिए क्राइम कट टू कट पे। मुरादाबाद पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। रविवार देर रात मुंडापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित एयरपोर्ट के पास पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। दोनों ओर से करीब एक घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान बिलारी का हिस्ट्रीसीटर सतपाल जाटव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। मध्य प्रदेश की कटनी में हमलावर ने घर में घुसकर पूरे परिवार पर तलवार से हमला किया। इस हमले में घर के 3 लोग पूरी तरह से घायल हो गए हैं, वहीं 13 साल की मासूम बच्ची का हाथ कट गया। इस हमले के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सूचना देने के बावजूद पुलिस देर से पहुंची और हमलावर आराम से भागने में कामयाब हो गया। मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने पुरानी करेंसी के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली कि बस स्टैंड के पास कुछ लोग पुरानी करेंसी के साथ कहीं जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी तो आरोपियों को बैग से पुरानी करेंसी के 41 लाख रुपए बरामद हुए। बैग में 500 रुपए के पुराने नोट खरीद। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही 3 तलाक को गैरकानूनी करार दे दिया गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी गाहे बगाहे स्तर के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। आगरा में किस तरह से 3 तलाक पर मचा कोहराम, देखिए। आगरा में 3 तलाक पर ऐसा हंगामा मचा कि बीच सड़क पर ईंट पत्थर चलने लगे। काफी देर तक सड़क पर कोहराम मचा रहा। मामला आगरा के मंडोला इलाके का है, जहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया और दूसरी लड़की से शादी रचा ली। पहली पत्नी के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। वो वकील लेकर युवक के घर पहुंच गए और हंगामा करने लगे, लेकिन युवक और उसका परिवार कुछ मानने की बजाय बवाल करने लगा। उन्होंने पीड़िता के घर पर पथराव भी किया, गालियों के साथ ईंट पत्थर की ऐसी बारिश की कि पीड़िता और उसका पूरा परिवार सहम उठा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में धुएं और आग का गुबार किस तरह से कई माल को नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आया, आप भी देखिए। धमाके और भीषण आग से दहल उठा एमपी का मंदसौर। बताया जा रहा है कि टायर की फैक्ट्री में बॉयलर फटने से आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि काले धुएं से पूरा आसमान पट गया और दूर दूर तक आग की लपटें फैल गई। भीषण आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री के अंदर लगी आग में 5 मजदूर बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 50 मजदूर मौजूद थे। कुछ तो फौरन वहां से भाग निकले, लेकिन 5 फंस गए और बुरी तरह जल गए। ये टायर फैक्ट्री बीजेपी के एक नेता की बताई जा रही है। फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ और केमिकल होने से आग और भड़क उठी और देखते ही देखते पूरा इलाका आग की लपटों में गिर गया। और अब आइए जानते हैं बॉलीवुड की हर बड़ी खबर। सुनवा करते वक्त सपना चौधरी के गाने तेरी आख्या का ये काजल सॉन्ग को अब पंजाबी सिंगर्स मीत ब्रदर्स ने अपने इवेंट के दौरान गाकर वायरल कर दिया है। सपना ने इस इवेंट का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें मीत ब्रदर्स के साथ पंजाबी सिंगर खुशबू ग्रेवाल भी नजर आ रही है। सलमान खान के पिता सलीम खान का एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सलीम खान अपने नाती को चीयर करते नजर आ रहे हैं। सलीम घोड़ा बनकर अपनी बेटी अर्पिता खान के बेटे आहिल को घुमाते नजर आ रहे हैं। 43 साल की सुष्मिता सेन ने इंस्टा पर एक बार फिर शेयर किया फिटनेस वीडियो। वीडियो में सुष्मिता ने फैंस को फिट रहने की सलाह दी। गंगा की सफाई को लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं, फंड रिलीज हो रहे हैं, लेकिन वो भी चिंता का सबब है। लेकिन खुशी की बात यह है कि मेघालय की उमनगोत नदी को दुनिया की सबसे साफ नदियों में शुमार कर लिया गया। आपको देश के सबसे साफ नदी से रूबरू कराते हैं। मेघालय में बहने वाली इस नदी में नाव शीशे पर तैरती हुई दिखाई देती है। इस नदी का नाम है उमनगोत। ये नदी शिलांग से 85 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर के पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में बहती है। यहाँ के स्थानीय लोग इस नदी को पहाड़ियों में छिपा स्वर्ग कहते हैं। यहाँ रहने वाली खासी आबादी लोग इस नदी में सफाई का ध्यान रखते हैं। गाँव में मौजूद करीब 300 घर मिलकर सफाई करते हैं और गंदगी फैलने पर 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाता है। उमनगोत नदी एशिया के सबसे साफ गाँव मावले नोंग के नजदीक बहती है। अरे अब आपको दिखाते हैं वो वीडियो जिसमें सारा अली खान जो है जम कर थिरकती हुई नजर आ रही हैं और इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने के बाद सारा अली खान सभी के दिलों में बस चुकी हैं। चुलबुली अंदाज की वजह से जानी जाने वाली सारा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई है। सारा का एक डांस वीडियो लोगों को काफी पसंद आ रहा, जिसमें वो 7 समंदर पार गाने पर डांस कर रही है। इस डांस वीडियो के साथ एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सारा को मास्टर जी डांस स्टेप सिखा रहे हैं।